यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। अब आप सभी लोग को पता हो गया, लास्ट एपिसोड में जो बॉस था जिससे माइकल की लड़ाई चल रही थी उसको हम किडनैप करके ले आए थे। उसके काफी सारे बॉडीगार्ड मार दिए थे, उसके गाड़ियां भी फोड़ दी जितनी भी थी, और उसको किडनैप कर ले आए थे अपने घर पर। अब यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि उस बंदे को मैंने अपने घर पर रखा हुआ है अभी, लेकिन दिक्कत की बात यह है ना कि उसे जल्दी जल्दी अपने घर से निकालना है, क्योंकि अगर पुलिस वगैरह ने मेरे घर पर आकर चेकिंग कर ली और वो बंदा मिल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां पर सबसे पहले हमें उस बंदे को घर से निकालना पड़ेगा। मैं आपको उसकी हालत दिखाता हूं, कल मार मार के उसकी क्या हालत कर दी थी हमने। तो यहां पर जो हमारा आज का प्लान है ना वो मैंने बनाया है। मेन तो प्लान जो है मेन बेसिकली लेस्टर का प्लान है सारा का सारा, लेकिन उसने साफ बोला कि तुम तीनों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो अभी हम तीनों जाएंगे, फ्रैंकलिन, ट्रेवर और मैं, और यहां पर देखते हैं क्या करना है। लेस्टर ने हमें एक सीक्रेट जगह पर बुलाया, वहां से वो एक और सीक्रेट जगह पर ले जाएगा और वहां पर चलकर हम इससे इसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाएंगे, उसे मार मार के जैसे तैसे करके इसे बहुत टॉर्चर करेंगे। जिंदा नहीं मारेंगे, बेसिकली हमें इसे टॉर्चर करना है ताकि अपनी सारी सीक्रेट लोकेशन बता दे, कहां कहां पर इसने पैसा रखा हुआ है, कहां कहां पर इसकी प्रॉपर्टी और कहां कहां पर इसका सारा सामान है, सब कुछ पता करेंगे। लेकिन अब यार सबसे पहले इस बंदे को छुपाना है ताकि पुलिस ना इसे देख पाए, क्योंकि क्या पता पुलिस वाले आ जाए हमें ढूंढने, क्योंकि यार इतना बड़ा आदमी को पकड़ कर लाए तो ढूंढने की तो कोशिश करेगी पुलिस। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं इसको मैंने रखा कहां पर। इसको कल मार मार के बुरी हालत कर दी थी, ये देखो ये पड़ा यहां पर, इसको बहुत मारा था कल यहां पर मैंने, ये देखो। मतलब कि अभी से पता चल चुका है ना मैं आ रहा हूँ तो ये उठ गया जल्दी से, अभी तक ये सो रहा था। मतलब कि आप देख लो ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा है। कल तो भैया इसे वीडियो में कम दिखाया था, उसके बाद इसे मैंने बहुत मारा है। मतलब कि आप हालत देख लो, अभी से इतना मारा है ना मैंने, इसका सारा सामान वामान मैंने सब छीन लिया ताकि इसके पास कोई फोन ना हो, कोई गन ना हो, सब कुछ मैंने छीन लिया है। तो सबसे पहले इसको मैं लेकर जाऊंगा फ्रैंकलिन के घर पर, क्योंकि फ्रैंकलिन के घर के बाहर फ्रैंकलिन एंड ट्रेवर जो है गाड़ी में बैठकर मेरा वेट कर रहे हैं कि मैं कब इसे लेकर आऊंगा। और पहले मैं अपनी गाड़ी में छुपा कर इसे वहां पर ले जाऊंगा और फिर फ्रैंकलिन एंड ट्रेवर इसको अपनी गाड़ी में बैठाएंगे और उसको लेकर जाएंगे सीक्रेट लोकेशन पर जहां पर लेस्टर ने हम सबको बुलाया। तो वहां पर जाएंगे, वो सब कुछ प्लान बताएगा लेस्टर कि हमें क्या करना है वहां पर। लेकिन ना मैं इसे खुद क्यों नहीं ले आ रहा वहां पर, उसका एक रीजन है, क्योंकि आपको पता है यार माइकल की जो फैमिली है इस टाइम पूरी की पूरी हॉस्पिटल में है, तो उन्हें भी आज देखने जाना पड़ेगा। क्या पता उनकी छुट्टी हो जाए, उन्हें ही घर छोड़ देंगे लाकर। अब पता नहीं क्या सीन है, वो हॉस्पिटल जाकर ही पता चलेगा, डॉक्टर से बताएंगे। बट सबसे पहले इसको लेकर चलते हैं जहां पर ट्रेवर एंड फ्रैंकलिन है उसके घर के बाहर। बुड्ढे मेरे साथ चला, रह गिरी गया भाई साहब, क्या हालत कर दिया मैंने इसकी मारते मारते। अब मेरे साथ चल तू सबसे पहले नीचे, अब इसको मैं लेकर चलूंगा सबसे पहले जहां पर हमें जाना है फ्रैंकलिन के घर पर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके आ रहा है। मतलब कुत्ता बना दूंगा मैं इसका मार मार के, अगर आज इसने मेरी बात नहीं मानी ना, इसका कुत्ता बना दूंगा भाई मार मार के। मेरी लैम्बोर्गिनी भी भारी खड़ी हुई और मैंने भाई साहब अंदर आज पार्क भी नहीं करी। अब बस ये जल्दी से आके बैठ जाए, जल्दी आ जाए। इसको थोड़ा सा ना पहले मार देता हूं ताकि ये ना अपना मुंह बिल्कुल बंद रखे। चुपचाप गाड़ी में बैठियो और एकदम चुपचाप चलियो, ठीक है? वरना तेरी ऐसी हालत कर दूंगा ना, इसे मारना नहीं है, इसे बिल्कुल टॉर्चर करते रहना है। चुपचाप चलियो मेरे पीछे, ठीक है? आ जा। तो ओके गाइस, अभी हम दोनों गाड़ी में बैठ गए हैं। मैं इसको लेकर चलूंगा सीधा से फ्रैंकलिन के घर पर, क्योंकि वहां पर फ्रैंकलिन एंड ट्रेवर मेरा भारी वेट कर रहे हैं। और वहां पर जाकर मैं इस बंदे को सीधा भेज दूंगा उन लोग की गाड़ी में, ताकि ये सीधा उनकी गाड़ी में जाकर बैठे और यहां से निकल ले, क्योंकि वो लोग इसको एकदम सीक्रेट जगह पर ले जाने वाले हैं। अरे भैया क्या चला रहे हो तुम? तो ओके गाइस, अभी मैं फ्रैंकलिन के घर के एकदम आसपास पहुंच चुका हूं, बस हमें यहां से लेफ्ट लेना है और ऊपर फ्रैंकलिन वगैरह हमारा वेट कर रहे हैं। तो देखते हैं भाई क्या सीन है। बाकी तो घर जो है एकदम सामने की तरफ में ही आ गया और भाई साहब मतलब कि यार एकदम अलग ही चल रही है गाड़ी, और सामने से गाड़ी आ रही है। खटो चलो साइड से निकल गई। ओके तो गाइज ये खड़े हैं दोनों। ओके भाई ये लो मैं इसको ले आऊँ डायरेक्ट, इसे अपनी गाड़ी में डालो। और मेरी गाड़ी थोड़ी सी ठुक गई आगे से, अब ये लोग इसे सीधा गाड़ी में डालेंगे और यहाँ से निकल लेंगे। तो ओके यार वो तो जाकर गाड़ी में बैठ चुका है और ट्रेवर भी बैठा हुआ आगे वाली सीट पे, फ्रैंकलिन भी बैठ गया है। अब यहाँ पर फ्रैंकलिन इन दोनों को लेकर जाएगा उस सीक्रेट लोकेशन पर जहाँ पर इन्हें ट्रेवर ने बुलाया था। तो भैया फ्रैंकलिन अपना निकल गया है, अब मुझे भी हॉस्पिटल की तरफ ही जाना है, तो मैं भी इनके वाले रस्ते से ही जाऊँगा। बाकी ये लोग यार बहुत खतरनाक जगह पर जाने वाले हैं, वो जगह भी मैं आपको वहीं पर, मेरे को भी जाना है। बट यार मुझे पहले अपनी फैमिली को देखना है कि यार कैसी है वो, और उनको देखकर हम लोग भी निकल लेंगे सीधा वहाँ पर जहाँ पर इसको लेकर जाना है लेस्टर के पास। ओके तो इनकी गाड़ी तो फिलहाल पीछे की तरफ में रह गया। अरे भैया क्या चला रहे हो आप? तो ओके अगर हम इनकी स्पीड से लेंगे तो भैया कल ही पहुँचेंगे, तो अपनी लैम्बोर्गिनी है तो हमें जल्दी पहुँचना फ़र्ज बनता है। तो ओके गाइस अभी मैं आ चुका हूँ यार हॉस्पिटल वाले रोड पर, और ये जो रोड है ना मुझे बहुत तगड़ा लगता है, क्योंकि एक तो इतना चौड़ा रोड है ना और ऊपर से यहाँ पर ना ट्रैफिक भी बहुत कम होता है, लेकिन यार यहाँ पर ना बाकी लोग भी बहुत तेज चलाते हैं। तो ओके यार हमारा जो हॉस्पिटल है वो आ चुका है फिलहाल, तो अब मैं अपनी गाड़ी जो है यहाँ पर खड़ी कर देता हूँ। और ये बंदे को देखो, मतलब कि हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर सिगरेट पी रहा है। इधर इसको मैं पहले छोड़ूंगा, नहीं भागे यहाँ से भाई साहब, हॉस्पिटल नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, भागे यहाँ से। भाई मैंने इसे मारा नहीं ताकि पुलिस का कोई झमेला ना हो। बाकी मैं अपनी गाड़ी का जो है अपना गेट बंद कर लेता हूँ और ऊपर चलकर देखता हूँ क्या सीन है यार, कैसे हैं घर वाले। तो यार डॉक्टर से भी मैंने बात कर ली और यहाँ पर ये तीनों लोग अभी फिलहाल सो रहे हैं, और डॉक्टर कह रहे हैं इन तीनों में से किसी की भी एक हफ्ते से पहले छुट्टी नहीं होने वाली। तो भी यहाँ पर हॉस्पिटल के भी बिल भरने हैं, घर का जो किराया वो भी भरना है। तो बट कोई नहीं, सब कुछ ठीक हो जाए पहले की तरह, फटाफट चलते हैं जहाँ पर हमें लेस्टर ने बुलाया, वहाँ पर भी जाना बहुत जरूरी है।
तो चलो यार अभी हम बाहर आ चुके हैं और हमारी लैम्बोर्गिनी जो है यहीं की यहीं खड़ी है। मैं आपको वो लोकेशन दिखा देता हूँ भाई, बहुत ही सीक्रेट लोकेशन पर हमें लेस्टर ने बुलाया। और भाई मैं बता रहा हूँ उस जगह पर ना कोई भी नहीं होता। पता नहीं यार लेस्टर के दिमाग में इतने उल्टे सीधे आइडियाज़ कहाँ से आते हैं। अब पता नहीं उसने बोला कि तुम जल्दी से वहाँ पर सबके सब पहुँचो। ड्राइवर वगैरह तो यार पहुँच गए होंगे काफ़ी पहले, क्योंकि यार वो गाड़ी से बहुत देर पहले ही निकल गए थे, मेरे साथ ही निकले थे और वो लोग सीधा चले गए थे। अब यहाँ पर मेरे को भी जल्दी से पहुँचना पड़ेगा वरना भैया लेस्टर बेमतलब ही किलस जाएगा। अब यहाँ पर लेस्टर भी इसलिए हमारी टीम में आ गया ना क्योंकि लेस्टर को पता है वो जो बंदा ना बहुत अमीर है। अब लेस्टर हमें बताया कि हमें किस तरीके से उसको टॉर्चर करना है और सारी की सारी उसकी प्रॉपर्टी सब कुछ जो भी उसके नाम है हमारे नाम कैसे करवाना है वो सब कुछ सारा प्लान लेस्टर का भी। तो अभी चल कर देखते हैं क्या सीन है। तो लेस्टर हमारी टीम में इसलिए आया क्योंकि लेस्टर को भी पता है कि यार वो जो बंदा है ना भाई साहब वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला है। और लेस्टर को पता है कि उससे किस तरीके से उसका सारा पैसा उसकी प्रॉपर्टी कैसे निकलवानी है। और भाई लेस्टर यार मतलब इतना बढ़िया बंदा है ना, तो इसलिए माइकल ने भी हाँ कर दी कि हाँ भैया तू भी आ जा और तू प्लान बता, तेरे प्लान पे हम सब कुछ करेंगे। और फिलहाल मैं उल्टा चला गया था, अभी मैं जा रहा हूँ बिल्कुल सीधा। और यहाँ पर गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई और ठुक गई गाड़ी। कोई दिक्कत नहीं यार, वॉश करवानी है, मैं बार बार बोल के गाड़ी ठोके जा रहा हूँ, बट अब एकदम ध्यान से लेंगे वरना ज़्यादा ठुक गई ना वैसी जेब में पैसा नहीं और खर्चा बैठ जाएगा। बस यार गाड़ी ख़राब ना हो, बिल्कुल नया इंजन लगा और एकदम मक्खन चल रही है फिलहाल तो गाड़ी। बट अभी हमें जहाँ पर जाना है वो एकदम ही अलग सी लोकेशन है, मैं आपको एक बार मैप में दिखा देता हूँ। ये देखो मतलब यार इस जगह पर हमें बुलाया लेस्टर ने, वो वहाँ पर पता नहीं क्या करने वाला है। फ्रैंकलिन वगैरह पहुँच गए होंगे, हमें भी अब जल्दी से पहुँच जाना है वहाँ पर। तो चलो यार पहले वहाँ पर चलते हैं फटाफट से। और हाईवे है, हाईवे पे तो आपको पता ही यार लैम्बोर्गिनी अपनी चलती नहीं है, उड़ती है, बिल्कुल एयरप्लेन वाली स्पीड में चलती है भाई हाईवे पे। तो ओके, तो भाई साहब जी जल्दी चला लो, सिंगल लेन रोड है भाई, मैं हाईवे की बात कर रहा हूँ, कैसी बात होगी भाई। तो ओके गाइस, जहाँ पर हमें लेस्टर ने बुलाया था वहाँ पर तो हम पहुँचने वाले। और ये जगह एकदम अलग सी है, मतलब कि यार पहली बार यहाँ पर मैं आ रहा हूँ भाई, एकदम ही अलग सुनसान सी जगह है जहाँ पर उसने बुलाया। इन रोडों पर तो मैं आया हूँ लेकिन जो अंदर एक गली जा रही है ना मेन जहाँ पर हमारा काम है वहाँ पर मैं पहली बार ही देख रहा हूँ ये एरिया, मतलब कि पता नहीं कौन सा एरिया है। अंदर चलकर देखते हैं, मतलब कि यार ऐसे ऐसे रोड है, मेरे को पहले बता देता मैं लैम्बोर्गिनी लेकर आता ही नहीं, मेरे नीचे से गाड़ी जो है ख़राब हो जाएगी एकदम धूल मिट्टी जा जाके। फिलहाल कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे लेकर चलते हैं जहाँ पर ये लोग खड़े हैं, मेन जहाँ पर काम है। पता नहीं कहाँ बुलाया, किस लिए बुलाया, एकदम अलग ही जगह, कोई दिख भी नहीं रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया भी नहीं है, पता नहीं क्या होता है यहाँ पर। कुछ अलग अलग सी मशीनें लगी हुई है, यहाँ पर आगे चलकर देखते हैं क्या सीन है। और आज पीछे एकदम छांव हो रखी है, आगे एकदम धूप हो रखी है, बादल आ गया क्योंकि ऊपर। ओके तो यहाँ पर छत पे एक हेलीकॉप्टर, ओके तो पांचों लोग छत पर खड़े हैं और लेस्टर का प्लान है हेलीकॉप्टर से कोई प्लान है। ओके काफ़ी सही सीन है। तो चलो यार सबसे पहले यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को कहीं पर पार्क कर देता हूँ जहाँ पर मेरी गाड़ी सेफ रहे। ओके तो यहाँ पर कुछ बंदे भी घूम रहे हैं लेकिन ये शायद से लेस्टर की जगह है। तो एक बार मैं गाड़ी कहाँ पर पार्क करूँ कि मेरी गाड़ी सेफ रहे। और हेलीकॉप्टर ऊपर लगा हुआ है, पता नहीं क्या काम है इन लोग को। ऊपर चलकर देखते हैं, ये जगह एकदम सेफ लग रही है शायद से, गाड़ी भी ये लेस्टर वगैरह की लगी हुई है। तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, अपनी गाड़ी भी मैं यहीं पर पार्क कर देता हूँ, बस मेरी गाड़ी चोरी वोरी ना हो जाए। फिलहाल यहाँ पर काफ़ी टूटा फूटा सामान बंदों का पड़ा हुआ, ऊपर चलकर देखते हैं क्या सीन है। चारों लोग ऊपर खड़े होकर बातें कर रहे हैं और शायद से वो उस बंदे को मार भी रहे हैं लोग। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो तो पिटने वाली आदत ही उसके है। ऊपर चलकर देखते हैं क्या सीन है। तो हमें जाना कहाँ से है, सीढ़ी से जाना है, इस पे से जाना है। ओके तो शायद से ये लोग भी इस पर से ही चढ़कर गए हैं। ओके तो मैं भी ऊपर आ गया हूँ, अब इनको बता देता हूँ। अरे हेलो, चलो भैया क्या करना है मुझे तो बता दो। तो ओके गाइस, यहाँ पर मैंने लेस्टर से जो है पूरी की पूरी बात कर ली और लेस्टर ने हेलीकॉप्टर इसलिए मंगाया, मैं दिखाता हूँ। तो लेस्टर ने एक बहुत ही सीक्रेट लोकेशन बताई है जो कि यार पुलिस वालों की, मिलिट्री वालों की जगह है, जहाँ पर मतलब पहले वहाँ पर पुलिस जाया करती थी लेकिन अब नहीं जाती, वहाँ पर पुलिस वालों का एरिया था लेकिन अब वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो ये जो जगह आप देख पा रहे हो मतलब एक बोट टाइप से, पता नहीं क्या है, वहीं चलकर पता चलेगा। तो यहाँ पर मैं मार्क लगा देता हूँ, मुझे हेलीकॉप्टर उड़ाकर वहाँ पर ले जाना पड़ेगा, मतलब इतनी दूर जाना है और पता नहीं यार वहाँ पर क्या होगा, कैसा सीन है। लेस्टर ने बोला है वहाँ पर कोई पुलिस वाला नहीं होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस बंदे को हम वहीं पर रखेंगे, वहां पर हमें किसी भी बंदे से खतरा नहीं है, तो वहीं पर चलकर पता चलेगा। तो चलो भैया आओ गाड़ी में बैठो, मुझे ही उड़ाना पड़ेगा हेलीकॉप्टर, इनमें से तो किसी को आता नहीं हो। ओ भाई भाई भाई, ये लड़के और ये आपस में पहली बार देखा है क्या, हेलीकॉप्टर बैठने के लिए लड़ रहे हैं ट्रेवर और फ्रैंकलिन, मतलब यार ये अलग ही है। ओके तो ट्रेवर जो आगे वाली सीट पर आकर बैठ चुका है, बस इन्हें डर ना लगता हो हेलीकॉप्टर में बैठने से। ओके तो यहाँ पर लेस्टर हमारे साथ नहीं जाएगा, लेस्टर ने बोला तुम ही चारों को जाना है और हमें यार ये बंदा ना कूद ना जाए, चलते हेलीकॉप्टर से। बाकी हमने इसे पूरा समझा दिया कि बेटा कूदने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर चुपचाप से बैठ चुका है हेलीकॉप्टर के अंदर और लेस्टर को थैंक यू कहना चाहूँगा भाई, उसने इतनी सीक्रेट लोकेशन बताई। मतलब यार मुझे तो कोई ऐसी लोकेशन पता भी नहीं थी आज से पहले। वहाँ पर चलकर देखते हैं भाई क्या होने वाला है, कोई बोट कह रहा है वहाँ पर खड़ी हुई है पुलिस वालों की, बहुत सीक्रेट है, वहीं पर चलकर पता चलेगा भाई क्या सीन है, कैसी बोट है, मतलब यार देखने में मज़ा आएगा, बोट है कि शिप है या फिर कुछ भी हो सकता है, चलकर देखते हैं।
तो भाई सोचो यार वो जगह कैसी होगी यार, मेरे दिमाग से तो उतर ही नहीं है, मैं अपने दिमाग में इमेजिन करे जा रहा हूँ कि वहां पर क्या होगा। तो फिलहाल हम पहुंचने वाले और सामने एक बड़ी सी शिप दिख रही है मेरे को, और पीछे देख लो मतलब कि यार ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं आसपास, बस नीचे पानी पानी है। लेकिन अभी जो मेन जगह थी वो मैं सामने की तरफ में दिख रही है, शिप है बहुत बड़ी सी जिसके अंदर एक एयरलाइन भी बनी है। ओके ओके मैं समझ गया भाई, ये कन्फर्म पुलिस वालों की है। भाई ये लेस्टर को कैसे पता चल जाती है ये सब लोकेशन भाई, मतलब यार एकदम ही खतरनाक है। और यहाँ पर नेटवर्क तो काम कर रहे हैं, लेस्टर कह रहा था कि यहाँ पर कोई नहीं होगा, बस यार पुलिस वाले ना हो यहाँ पर। और मैंने काफ़ी ख़राब लैंडिंग करवाई है, हेलीकॉप्टर में कोई नुकसान तो नहीं हो। ओके ओके बच गए भाई, लैंडिंग काफ़ी खतरनाक हुई थी। और यहाँ पर अब हम पहुँच चुके हैं अभी। तो भाई ये जो जगह यार एकदम ही अलग है, मतलब कि चारों तरफ पानी पानी है, और कोई यहाँ पर जिस बंदे को हम छोड़ देंगे ना वो यहाँ से भाग सकता ही नहीं है। बट यहाँ पर यार जितने भी हेलीकॉप्टर हैं ना, इन हेलीकॉप्टर को हमें ठिकाना लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा यार बहुत तेज फिल्म है, ये हेलीकॉप्टर लेकर जरूर भागेगा, मुझे कन्फर्म पता है। तो ये हेलीकॉप्टर ना लेके भागे इसलिए मैं एक आध घूसा बजाऊंगा बेटा, कोई हरकत नहीं चाहिए मुझे, मैं सच्ची बता रहा हूँ, बहुत मारूंगा तेरे को, ठीक है ना। अभी चुपचाप मेरे साथ, अरे 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 किस बात की चोड़ है, किस बात की चोड़ है, आ जाओ पीछे आओ। अब यहाँ पर भाई कितनी सारी मिसाइल्स पड़ी और कुछ अलग सा ही बना रखा है। अब ये दिखा बेचारा, देखो ढंग से चल भी नहीं पा रहा है, से इतना मारा था भाई, मिसाइल विसाइल रखी हुई पुलिस वालों ने यहाँ पर। अब मुझे तो लग रहा है यार पुलिस वाले अंदर होंगे, अगर ये जो शिप है हमारे हाथ में हो जाए, मतलब कि हमारे कंट्रोल में हो जाए, तो भाई हम तो यार किसी से भी फाइट ले सकते हैं। इतने सारे जेट है, फाइटर जेट है, और ऊपर यार एक टाइप से ना मिलिट्री बेस ही बना हुआ है ये, मतलब कि शिप के ऊपर एक टाइप से छोटा सा इन्होंने मिलिट्री बेस टाइप बना रखा है। और यहाँ पर भाई साहब ओके, तो यार ये वाटर फोर्स के लिए मेन, जितना भी यहाँ पर ये लोग रहते हैं, कुछ इमरजेंसी पड़ जाए यहाँ पर सब कुछ हो सकता है भाई, प्लेन लाइन है पूरी यहाँ पर। मैं गन निकाल लेता हूँ, कोई पुलिस वाला होगा तो दिक्कत हो जाएगी, बाकी तो यहाँ पर पुलिस वाले नहीं होंगे एक्चुअली, यहाँ पर फौजी होंगे। और ये जितने भी हेलीकॉप्टर हैं हमें इन्हें लॉक करना पड़ेगा, ताकि ये जो है लेकर भागे ना यहाँ पर। और वो लोग कहाँ पर रह गए, ओके तो ये लोग भी अपना एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसी जगह पर ले आया भाई ये लेस्टर हमें। तो ओके यार यहाँ पर भी मैंने इस बंदे को यहीं पर छोड़ दिया। अब मैं एक बार ना देख कर आया था कि यहाँ पर कोई खतरा वतरा तो नहीं है, क्योंकि यार एकदम ये पुलिस वालों का एरिया, यहाँ पर पुलिस वाले भी हो सकते हैं। और यहाँ पर हेल्थ वेल्थ का भी पूरा इंतजाम इन्होंने कर रखा है। और भाई ये इतने सारे इनके पास वेपन्स हैं भाई, मिसाइल्स हैं भाई, इतने तगड़े वेपन तो मुझे ये वो जो मिलिट्री बेस था ना इनका, वहाँ पर भी देखने को नहीं मिले थे। बाकी यहाँ पर एक बेसमेंट भी नीचे को जा रही है, वहाँ पर भी चलकर देखते हैं भाई क्या सीन है, क्या पता कोई बहुत काम की चीज़ हमारे हाथ लग जाए। ये वाला डोर तो फिलहाल लॉक है, और यार यहाँ पर कोई है नहीं यार, मतलब समझ नहीं आ रहा। ओके तो और बेसमेंट है भाई, कितना बना रखा है इन लोगों ने। ओहो मेरे को तो लग रहा है नीचे बहुत ही सारे काम के वेपन्स हैं। तो भाई बहुत सारे जेट खड़े हुए हैं नीचे। ओके तो ये भी एक जेट है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। रुको यार चलकर देखते हैं, मतलब यार बहुत गलत सीन है यहाँ पर तो, मुझे पता भी नहीं था कि यार ऐसी भी कोई जगह होगी। भाई क्या क्या बना रखा है इन लोगों ने भाई, यहाँ पर मिसाइल विसाइल इतने सारे, ये जो बॉक्सेस है ना जितने भी, इन सब के अंदर वेपन ही वेपन है भाई। खजाना हाथ लग गया हमारे तो, इन सबको बेच देंगे तो यार बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा। ओके भाई साहब, ओहो और बेसमेंट भाई, कितना इन्होंने बना रखा है। ओहो ओके ओके ओके, यहाँ पर ये फिलहाल ख़त्म हो गया एरिया। अब यहाँ पर हम उस साइड से ऊपर चले जाते हैं एक बारी, यहाँ पर शायद ऊपर जाने का नहीं है, लास्ट यही है, ताकि अगर किसी को, ओ पानी आ गया, पानी आ गया, शिट। अबे भाई पानी मेरे को बहा के ना ले जाए, मैं ऊपर निकल लेता हूँ चुपचाप से। अरे शिट 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 शिट, पानी इधर नीचे पूरा भर गया, बोट मतलब कि एकदम शिप है बहुत बड़ी। अब यहाँ पर मैं ऊपर निकल लेता हूँ, ये देखो भाई कैसे कैसे से जेट हैं, बहुत खतरनाक है भाई, इतने ज़्यादा वेपन हमारे हाथ लग गए यार, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा भाई अपनी किस्मत पर। मतलब कि यार लेस्टर को भी नहीं पता होगा कि यहाँ पर इतने सारे वेपन है भाई, मज़े आ गए भाई। अब तो अगर हम इन सभी वेपन को बेच देंगे ना भाई, बहुत पैसा आ जाएगा यहाँ पर। अभी फिलहाल ऊपर चलकर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना और भी ऊपर भी एक सीढ़ियाँ जा रही थी, वहाँ पर चलकर देखते हैं यार वहाँ पर क्या सीन है। ओके तो मेरे को सीढ़ियाँ जो है सामने है भाई, इन डब्बों में गन ही गन है। ओके यार क्या मजा आएगा इनकी अनबॉक्सिंग करेंगे जब इतने सारे वेपन्स निकलेंगे। और ये देख लो भाई जेट वेट कितने तगड़े हैं भाई, बड़े बड़े से खतरनाक, पूरे फाइटर जेट है सारे। इनकी स्पीड पता है, मैं बता रहा हूँ कम से कम 700 किलोमीटर पर आर आराम से होगी, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं जितने भी फाइटर जेट होते हैं। ओके तो यहाँ पर एक रूम हो रहा है। ओ भाई साहब इसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ जेट ही जेट रखे हुए हैं भाई, कितने सारे, इन सबको बेच देंगे तो भाई करोड़पति तो यूं ही बन जाएंगे, मतलब कि यार खत्म ही नहीं हो रहे भाई, भर के हैं यहाँ पर तो भाई, जेट ही जेट है सारे के सारे, फाइटर जेट हैं। अब बस यहाँ पर पुलिस वाले राउंड लगाने ना आते, वैसे आते तो होंगे अब, लेकिन ना मुझे यहाँ पर इनका ना कंट्रोल रूम ढूंढना है। अगर मैंने इनका कंट्रोल रूम ढूंढ लिया ना तो भाई अपने मजे आ जाएंगे, मतलब यार सब कुछ अपने हाथ हो जाएगा। बस इनका कंट्रोल रूम ढूंढना है जहाँ से मैं इसको कंट्रोल कर सकूँ, इस शिप को हम कहीं और ले जाएंगे। और यहाँ पर बस ना ऐसा कोई इसमें GPS ना लगाओ जिससे ये लोग उसकी लोकेशन पता कर ले, बाकी यार GPS तो होगा, बस यार पुलिस वाले ना हो यहाँ पर, बाकी अगर नहीं होंगे तो बहुत सही है।
भाई मतलब यार यहाँ पर आप लाइट वाइट देख पा रहे हो कितनी खतरनाक चला रखे हैं। बाकी जो शिप है ना पूरी की पूरी एक्टिवेट है। अब लेस्टर ने मुझे बोला था कि वहाँ पर तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, टेंशन मत लेना, पुलिस पुलिस वालों से तो वहाँ पर बिल्कुल भी खतरा नहीं है, और यहाँ पर मुझे लग भी नहीं रहा कि कोई पुलिस है। और उसने बोला था ना उसके कुछ बंदे यहाँ पर काम भी करते हैं, मेन हैकिंग का काम करते हैं यहाँ पर, जिससे कि वो पुलिस वालों का मतलब कि जो गवर्नमेंट का पूरा सर्वर जो है हैक वैक कर रखते हैं। तो एक कंट्रोल पैनल मतलब कि कंट्रोल रूम जो है ये है, बट यहाँ पर कोई नज़र तो नहीं आ रहा। और यहाँ पर भाई काफ़ी काम के पीसी हैं जो कि मुझे शायद तोड़ने नहीं चाहिए, शायद लेस्टर का यहां से कुछ कनेक्शन होगा। अब यहां पर अंदर की तरफ में चलकर देखते हैं अंदर क्या है। ओके, तो लेस्टर ने जो बोला था उसके बंदे यहां पर बैठ के भाई हैकिंग का काम करते हैं। ओके, तो एक बंदा ये बैठा हुआ है भाई साहब, जो कि डर गया था मुझे देखकर। तो भाई मैं कुछ नहीं कहने वाला, टेंशन मत कर, मैं अपनी गन अंदर रख लेता हूं। और यहां पर मैं भी इस लैपटॉप को यूज कर लेता हूं, बाकी मेरा इस लैपटॉप पे कोई काम नहीं है, मुझे नहीं चलाना भाई गूगल वूगल, बंद करो इसे। ओके, तो अभी यहां से हम फटाफट बाहर निकल लेते हैं। भाई ये तो बंदा मेरे को देख के डर गया, और ये शक क्यों कर रहा है मेरे पे, इसको बताना पड़ेगा कि मैं भैया लेस्टर का ही बंदा हूं। ओके, तो एक सीढ़ी जो है ऊपर और जा रही है। ओ भाई साहब ये क्या जगह पर आ गया हूं मैं। तो भाई यार ये वैसे इतनी खतरनाक जगह है ना भाई, यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अगर किसी से लड़ाई हो गई तो एक से एक वेपन हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। भागने के लिए हेलीकॉप्टर्स हैं, तेज भागने के लिए फाइटर जेट है जो कि यार हवा में भी बंदों को मारेंगे, इतनी तगड़ी तगड़ी मिसाइल्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, भाई क्या खतरनाक है भाई। और ये हेलीकॉप्टर काश मैं उड़ा पाता, वैसे उड़ा तो मैं सकता हूँ लेकिन अभी मैं उड़ाऊंगा नहीं क्योंकि अभी कोई फालतू काम नहीं करना। ओके, तो यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर लॉक्ड था तो हमने इसका लॉक तोड़ दिया है, तो अभी हमें इसे वापस लॉक करना पड़ेगा ताकि वो बंदा भाग ना पाए। ओके, तो हम इस हेलीकॉप्टर को उड़ा सकते हैं, कभी ज़रूरत पड़ने पर हम इस हेलीकॉप्टर को ले जाएंगे शिप से आके, किसी बोट से यहाँ पर आ जाएंगे और इस हेलीकॉप्टर को यहाँ से ले जाएंगे। तो भाई सारा इंतजाम हमने कर लिया है, अब फटाफट से हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि यार यहाँ पर पुलिस वुलिस का कोई टेंशन नहीं है। बाकी तो अगर बाकी कुछ गड़बड़ हुई भी तो पुलिस आ भी गई तो देख लेंगे। अब यहाँ से यार फटाफट निकलते हैं, इसको मैं इसको ठिकाने लगा देता हूँ। चल बे साथ आ, चल बे साथ, चल मेरे, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, ड्रामे नहीं चाहिए, एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा सा और मारूंगा भाई, इसे बिल्कुल एकदम डरा के रखेंगे। रुक जाओ, इसके लिए मैं डंडा खरीद के लाया था पुलिस वालों का। चल साथ, शांति से चलियो ठीक है, पहली बता रहा हूँ, एकदम शांति से चलियो मेरे साथ। आज अंदर आ, आज इसको अंदर लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर बेटा कोई हरकत नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है, मैं तेरे को पहली बता रहा हूँ, भागने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी यहाँ से, ठीक है, ऊपर आ जा चुपचाप मेरे पीछे से। अब यहाँ पर भाई साहब ये लोग भी इसे मार रहे थे, जब मैं इसे छोड़कर गया था ना तो ट्रेवर और फ्रैंकलिन भी इसे मार रहे थे, बेचारा लंगड़ों की तरह चल रहा है, इतना मारा है मैंने इसे। चल 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 मेरे पीछे चल, अभी तो और मारूंगा। तो इसके लिए कोई खतरनाक सी जगह ढूंढ लेता हूँ जहाँ से बिल्कुल भी ना भाग पाए। अगर मैं इसे कंट्रोल पैनल में छोड़ूंगा तो यार उन लोग का ध्यान रहेगा, नीचे छोड़ूंगा तो ये कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा, कोई ना कोई हरकतें जरूर करेगा। आ जा आ जा, ऊपर आ ऊपर ऊपर आ ऊपर ऊपर, इधर इधर इधर, अभी फिर पड़ेगा वरना एक, आ जा। ओके, तो अभी मैंने इसके लिए जो जगह ढूंढी थी वो ये वाली है, तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ इसे छोड़ दूँ यहाँ पर, भैया इसको किसी का अता पता भी नहीं रहेगा। ओके, तो रुक जाओ भाई, इतनी खतरनाक जगह पर इसको मैं ले आया हूँ ना भाई साहब, बेचारा बहुत ही बुरी मौत मरने वाला है, इसको हम यहाँ पर बांध देंगे। चल इधर, तेरे को इधर, रुक जा रुक जा रुक जा, इसके एक पड़ेगा। आगे आगे चलने के लिए कौन बोल रहा है भाई तेरे को, आगे आगे भाग रहा है। इसको यहाँ पर हम बैठाएंगे और इसके आगे ना कोई डब्बा उब्बा ला कर रख देंगे ताकि, क्योंकि इसके जान तो बची नहीं है इसके अंदर। बस मैं इन लोग को बोल दूंगा कि इसे यार खाना वाना देते रहो, इसको जिंदा रखना है। और कल बेटा लेस्टर आ रहा है तेरे से मिलने, लेस्टर इसकी ऐसी तैसी करेगा। फिलहाल लेस्टर अभी आया नहीं क्योंकि अभी लेस्टर हमें भेजना चाह रहा था, मेन कह रहा था भाई पहले तुम चले आओ, तुम लोग देख आओ। अबे 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 कैसे चोना हो रहा है, चुपचाप बैठ जा वहीं, चुपचाप बैठ जा। ओके, तो यहाँ पर बेचारे की बेहोशी वाली हालत हो गई। ओके, तो ये बेहोश हो गया है, चलो ठीक है, और मारूंगा अभी तो इसे। तो फिलहाल यार मार मार के हमने इसकी ऐसी की तैसी कर दी है, अब यहाँ पर बेचारा बेहोश सा हो रखा है। और मैंने उन कंट्रोल पैनल वाले बंदों से भी बात कर लिया कि भैया इसका ध्यान रखते रहना, कुछ भी हो जाए इसे भागना नहीं चाहिए। और उन्होंने भी साफ बोल दिया कि भैया भाग कर जाएगा कहाँ, चारों तरफ तो पानी पानी, और जब तक ये तैरते तैरते लॉस सैंटोस पहुंचने की कोशिश करेगा ना तब तक ये बेचारे की जिंदगी बीत जाएगी, इतनी दूर है, हेलीकॉप्टर से आने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो कि अभी ना हमें इस जगह का राउंड जो है कल हमें दोबारा आना है, तो कल सारा प्लान जो है हमें लेस्टर दोबारा से बताया कि भैया हमें यहाँ से क्या क्या घर ले जाना, अपने क्या क्या चीज़ें हमारे यहाँ पर काम आ सकती है, और इस बंदे से हमें कैसे इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी निकलवानी है। बाकी यार यहाँ पर इतना सामान है लेस्टर ने हमें ये तो बताया नहीं था, मतलब कि यार अगर ये बेच देंगे तो बहुत अमीर हो जाएंगे, लेकिन यार पुलिस वालों का भाई ऐसे बेच ही नहीं सकते, पुलिस वालों का जितना भी सामान होता है कोई कहीं पर भी नहीं बेच सकते भाई उसे हम। बाकी ये है कि हाँ भाई गन वन जितनी भी है, गन है, एमओ है, बॉम्ब्स है, मिसाइल्स है, ये बिक जाएगा, लेकिन उनका व्हीकल नहीं बिकेगा। तो व्हीकल हमें अपने यूज़ में लेंगे, बाकी यार वेपन वेपन तो बिक जाएंगे काफ़ी महंगे। तो अभी देखते हैं उसको कैसे बेचना है, किसको बेचना है, क्या सीन है। तो चलो भाई अभी बैठो, वापस से चलते हैं लॉस सैंटोस।
तो भाई अभी हम काफी पास आ चुके हैं लॉस सैंटोस के, और यहाँ से जो है हमें पूरी की पूरी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बड़े बड़े पहाड़ है, वो सब नजर आने लग गए हैं। अबे कैसे जाएगा नीचे भाई? ओके 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 ओके, तो फाइनली हमने अपने हेलीकॉप्टर को जैसे तैसे करके लैंड करवा दिया है। और भाई फ्रैंकलिन तू कैसे उतरेगा मुझे नहीं पता, बट जाए तैसे करके उतर जाओ। ओके तो भाई साहब पूरा एकदम हेडफोन लगा कर बैठा था, जैसे पूरी कमांड वमांड भेज रहा हो। अब यहाँ पर मैं शायद से गलत वाले पे आ गया हूँ, तो यहाँ पर से हमें छलांग लगानी पड़ेगी नीचे की तरफ। ओके आई लगेगी बड़ी तेज। तो क्या यार फ्रैंकलिन तो अपना अपनी गाड़ी लेकर निकल गया, और ट्रेवर जो है मेरे साथ आ गया, कह रहा भैया मेरे घर रहेगा 2-3 दिन। तो यहाँ पर अब ट्रेवर जो है सही है यार, फ्रैंकलिन के घर रहेगा जब तक उसकी फैमिली उसके घर पर नहीं आ जाती। अब इससे क्या कि यार माइकल भी ना सेफ हो जाएगा, माइकल को भी अपने लिए नया घर ढूंढना पड़ेगा कोई अंडरग्राउंड। तो अभी देखते हैं यार भाई, वो ना बनवाना पड़ेगा या फिर कहीं ढूंढना पड़ेगा, मतलब कि बहुत खतरनाक है। अगर ढूंढेंगे तो यार कुछ ऐसा मिलेगा जो कि यार सबको पता होगा, लेकिन अगर हम खुद से जाकर बनवाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मुझे बताओ यार कि मुझे कैसा अंडरग्राउंड घर बनवाना चाहिए, मतलब ऐसा बनवाना चाहिए जिसके अंदर पूरी फैमिली आ जाए, या फिर ऐसा बनवाना चाहिए जिसके अंदर सिर्फ माइकल आ जाए, और उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए सब मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप मुझे और कोई सजेशन देना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर जरूर दे सकते हो आप। अब यहाँ पर अपनी लैम्बोर्गिनी लेकर हम निकल लेते हैं अपने घर पर। और आज का जितना भी काम था, फिलहाल इतना कोई खास काम तो नहीं था, लेकिन जितना भी काम था ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मतलब कि यार करने में एकदम मजा सा आ गया भाई। बहुत खतरनाक जगह पर आज भाई देखने को मिली, मतलब पुलिस वालों की, और वहाँ पर इतने सारे वेपन, इतने तगड़े तगड़े हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट सब कुछ भाई देखने को मिले। अब वो जो है हमारे तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम उनसे काफ़ी सारा ना फायदा उठा सकते हैं, कोई चोरी कर सकते हैं भाई, बहुत कुछ हो सकता है। तो आप मुझे सजेशन दे सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए उन हेलीकॉप्टर्स का। तो गाइस अगर आपको आज की वाली वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट इस वीडियो को जगह लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो गाइस लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, फटाफट से आकर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। तो यार आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।